वेलकम बैक टू माई हस्ट ब्लॉग यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नई ब्लॉग के साथ। मैं आपका होस्ट हुसनैन रज़ा खान और फ्लाडला। तो मैं आपको ये ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि मेरे गांव से एक करीबी लोकल रेलवे स्टेशन है सड़माटा, जो वहां से धनबाद आसनसोल आपका इधर तिलैया गया वगैरह के लिए ट्रेन मिलती है। तो मैं आपको दिखाऊँगा सड़माटा स्टेशन, आप बने रहे मेरे ब्लॉग पर। चलिए शुरू करते हैं। में हमारा मल्ली लीक तरफ से, और फिर से हम काशिद के पास पहुंच गए। ये काशिद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल गुवेस? फिर निकल रहे हैं हम लोग। ये मोहल्ले का जामा मस्जिद, और ये आ गया हमारा जयनगर का चौक मेन चौक जंक्शन। ये टायर वीर का दुकान, सब्जी का दुकान, और ये हमारा मोहल्ला मीन्स गली मेन रोड है, बाजार रोड, जयनगर बाजार रोड। अच्छा ये है, आज सुबह है, फ्राइडे है, ये बाजार है जिधर बाजार लगती है। ट्यूजडे एंड फ्राइडे इधर बाजार रहती है, मार्केट का भी मौका मिले तो इस पर भी ब्लॉग बना दूंगा। और ये पेटीएम आ गया, जिस तरह से पेटीएम आगे पहुँच चुके हैं हम लोग। और ये जयनगर पूर्वी का पंचायत भवन है, पंचायत सचिवालय, क्या मालूम क्या उसका मतलब है, हम लोग तो पंचायत भवन बोलते हैं इसको, वही है। ये सरमोटा जाने की रास्ता है, और ये जयनगर ब्लॉक पहुँच गए हम लोग। पूरा ब्लॉक एरिया जयनगर, जयनगर प्रखंड का जयनगर ब्लॉक, और यही रूट है। अभी एक स्कूल पढ़ेगी जिधर हम लोग बचपन में पढ़े हैं, वो स्कूल दिखाते हैं। अभी थोड़ा सा आगे ठंडी का टाइम है, इधर खेतवाड़ी धान भी सब हो रहा है इधर। स्लो का काशी देखिए, मेरा स्कूल था पहले इधर। स्लो का रुक रुकना भाई, ये देख रहे हैं जिस तरह से, ये हमारा स्कूल था एक ज़माने में, मॉडर्न मॉडर्न नहीं, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, जहाँ पे हमारी स्कूल मॉडर्न झारखंड पब्लिक स्कूल। यादें हैं यहाँ से भी बचपन की। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि ये शर्मा टाण वाली रोड में ही पड़ती है ये। तो बने रहिए हमारे ब्लॉक पर, फिर आगे कंटिन्यू। और यह शर्मा टाण रोड में एक खूबसूरत सा ब्रिज पड़ता है, जो नदी गुजरती है बीच से। यह नदी सीधा पड़ाकर में जाके मिलती है आसनसोल में। अभी ठंडी का मौसम है, फिलहाल सूखा हुआ है पूरा ब्रिज, ब्रिज सूखा हुआ नहीं है, नदी सूखा हुआ, नदी सूखा हुआ है। ये देखिए, ये नदी पूरा सूखा हुआ, ठंडी का मौसम है इसके लिए। तो बारिश के टाइम, बरसात के टाइम में तो पूरा भरा हुआ रहता है ये जाके मेन नदी उधर बढ़ाकर है जो, उसमें जाके मिल जाता है। और सामने आपको स्टेशन दिखता होगा थोड़ा थोड़ा, और हम लोग लगभग करीब में स्टेशन के। और ये हम लोग सड़माटा पहुँच गए, ये जस्ट ट्रेन क्रॉस कर रही है अभी गाड़ी। अच्छा टाइम पे पहुँचे हम लोग, और यही सड़माटा लोकल रेलवे स्टेशन है सड़माटा।
अभी ये ब्रिज नहीं था कुछ दिन पहले मैं देखा, मतलब अभी तो मैं आके देख रहा हूँ तो ब्रिज बना हुआ है, एक दो साल पहले नहीं था मेरे ख्याल से, नया बना अभी ब्रिज। और ये बुलेट हम अपना पार्किंग में इधर रख दिए हैं, उधर काम चल रहा है। और ये काशिद हमारा कैमरा मैन, फिर से यही रहेगा काशिद है। हाय काशिद, हाउ आर यू? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लोग शर्मा टाउन पहुँच चुके हैं, यही है शर्मा टाउन लोकल रेलवे स्टेशन। मैं आपको इसको डिटेल बताता हूँ अभी पूरा, कि यहाँ से कहाँ कहाँ की ट्रेन मिलती है आपको, और ये मेरे घर से कितनी दूर है, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा अभी फिलहाल। तभी हम लोग आ चुके हैं शर्मा टाउन रेलवे स्टेशन में। ये देखिए बोर्ड सामने शर्मा टाउन में लिखा हुआ है, हिंदी में भी शर्मा टाउन लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा है, उर्दू में लिखा है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, सब मिलजुल के रहते हैं भाई बहन, सॉरी हिंदू मुस्लिम कोई दिक्कत नहीं है, सब भाई बहन तो मिल के रहते ही हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। तो देखिए सब हिंदी इंग्लिश उर्दू, और हम लोग कितना समुंदर के कितने हाइट में वो भी आपको मिल जाएगा इधर पूरे डिटेल में। और अभी मैं बताऊँगा कि ये स्टेशन मेरे घर से कितने दूरी पर है, तो ये आपको अभी स्क्रीन पर जो दिखता होगा, ये देखिए मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ, ये सामने स्क्रीन पे आ रहा है आपका, देख सकते हैं ये स्क्रीन पे, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ लोकेशन कितनी दूरी पे है मेरे घर से ये स्टेशन, तो जस्ट अभी स्क्रीन पे आया होगा, देख सकते हैं। बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा इसका लोकेशन शर्मा टाउन का, तो आप आ सकते हैं, मुश्किल नहीं, गूगल मैप फॉलो करके। और मैं आपको दिखाता हूँ, यही लोकल रेलवे स्टेशन है मेरे गाँव से, यही करीबी एक रेलवे स्टेशन है। बाकी अगर जंक्शन जाना है तो फिर झुमरी तिलैया कोडरमा जंक्शन जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको मेल राजधानी एक्सप्रेस हर कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या सिर्फ लोकल है, यहाँ से आपको धनबाद अपना आसनसोल इधर गया आपको तिलैया के लिए मिलेगी, वो भी हमेशा नहीं मिलेगी, उसके लिए भी टाइम है सुबह बस शाम मेरे ख्याल से। बाकी ये देखिए लोकल स्टेशन है, इधर से हम लोग बड़े हुए हैं इधर उधर, यहाँ से हम लोग चिरुआ शरीफ का सोचा कि इधर चिरुआ शरीफ बोलते हैं, सॉरी चिरुआ चचाकी वहाँ जाते थे हम लोग। ये लोकल इधर खड़ा है लुक लाइन में, ये इधर लुक लाइन में कुछ खड़ी है एक ट्रेन, और ये शर्मा टाउन स्टेशन है। चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे काउंटर पे, आपको डिटेल वहाँ से भी कुछ कुछ बताता हूँ उसको, जब तक के लिए बने रहिए, टाइम टाइम बाय बाय। काउंटर वो साइड है तो उधर जाना पड़ेगा, इधर से हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते। चलिए आइए मेरे साथ पीछे आप सब, फिर देखो यहाँ पे यही तीन ट्रेन, अभी तीन ट्रेन अवेलेबल है बस, धनबाद टहरी ऑनसोन इंटरसिटी एक्सप्रेस जो आपको सामने मिलेगी 7:48 में, ठीक है। और दूसरा आसनसोल गया, ये सुबह आपको 7:50 में तो आसनसोल की ओर जाएगी। फिर एक है, अच्छा 2:30 भी है कोई, आसनसोल वाराणसी मैंने एक्सप्रेस जो इधर रुकी है, मेरे को नहीं मालूम था ये भी ट्रेन रुकी है। ये इधर कौन से सामने लिस्ट है, यहाँ तक जाती है अपनी गाड़ी, आप पास में स्टेशन है, ठीक है। दिखा दिया फिलहाल, यही मेरा शर्मा टाउन स्टेशन है जो मेरे घर से करीब है बिल्कुल लोकल जाने के लिए। तो फिर से आपको यहीं से अलविदा लेते हैं, फिर हम फिर एक नए ब्लॉग के साथ जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। या तो आप कमेंट करें किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाओ, किस एरिया को देखना चाहेंगे, क्या देखना चाहेंगे,
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाई टाई बाय बाय, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।